गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाइलक्स के अपग्रेड्स के बारे में। हम आए हैं द एडवेंचर गैरेज पे और यहाँ पे वाइट कलर में ये टोयोटा हाइलक्स है जो अभी तो स्टॉक है, बट इस गाड़ी के अंदर बहुत कुछ अपग्रेड होने वाला है बाय द टाइम। एमपी के अंदर गुजरात से ये गाड़ी आई है और गाड़ी के अंदर बहुत कुछ अपग्रेड होने वाला है। सो वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर अपग्रेड होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके सस्पेंशन साइड से। जो इसके अंदर हमको स्टॉक सस्पेंशन मिलते हैं, अगर हम उनको अपग्रेड कराना चाहते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन होता है आयरन मैन के सस्पेंशन सेटअप को अपग्रेड करना। यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो इसकी स्टॉक यहाँ पे टायर की पोजीशनिंग है वो आपको मैं चेक करा देता हूँ। जो गाड़ी के अभी स्टॉक सस्पेंशन हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी स्टॉक सस्पेंशन पे जो आप यहाँ पे स्पेस है वो इतना देखने को मिल जाएगा। पीछे भी हम आपको लेकर चलते हैं तो पीछे का जो सेटअप है वो हमको इस टाइप से मिल जाता है। और जो इसकी लीफ स्प्रिंग है ना वो हमको ये देखने को मिलती है। तो जितनी भी लीफ स्प्रिंग है, जितने भी फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन हैं, वो सारे गाड़ी के चेंज होंगे और आयरन मैन 4x4 के यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप्स लगने वाले हैं। तो ये कुछ है एसेसरी जो गाड़ी के अंदर पूरी प्रॉपर इंस्टॉल होगी। वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ आयरन मैन 4x4 का नाइट्रोगेस शॉक अब्जॉर्बर। फ्रंट और रियर में ये लगने वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिखता है ये। और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, 3 साल की आपको अनकंडीशनल वारंटी मिलती है। इसके अलावा 60,000 किलोमीटर्स की भी आपको वारंटी मिलती है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी वारंटी देखने को मिल जाएगी इनके साथ में। ये अपनी कॉइल स्प्रिंग रहेगी, इसके अलावा जो शैकल किट है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगी ये बॉक्स के अंदर। यू बोल्ट किट भी रहेगी यहाँ पे, ये पिन किट मिल जाएगी हमें, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जितनी भी एसेसरीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। गाड़ी के अंदर जो भी सस्पेंशन इंस्टॉलेशन होता है किसी भी गाड़ी के अंदर आप कराते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पूरी प्रॉपर आयरन मैन 4x4 की तरफ से ही मिलती हैं। आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप किट ऑर्डर करेंगे ना तो ये सारा जो भी सेटअप आपको दिख रहा है ना, ये सारा सेटअप आपको कंपनी से ही मिलेगा, आयरन मैन की ओर से ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमको एक बुश किट मिल जाएगी जो कि सस्पेंशन सेटअप के वक्त काम आएगी। इसके अलावा स्पेसर किट है और यहाँ पे ये हमको मिल जाती है लीफ स्प्रिंग के लिए भी ये किट। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और मैं आपको बोल रहा था ना पीछे जब मैंने आपको दिखाया था कि लीफ स्प्रिंग भी इसका चेंज होने वाला है। सो यहाँ पे देखिए आप, जो आयरन मैन का लीफ स्प्रिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक ये रखा हुआ है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का वो रखा हुआ है। सो ये भी यहाँ पे चेंज होने वाला है। अगर आपके पास में महिंद्रा थार है या फिर आपके पास में जिप्सी है या फिर आपके पास में जिमनी है, तो कोई भी गाड़ी अगर आपको उसको लिफ्ट कराना है 2 इंच 2.5 इंच, तो आप www.ironman4x4.com से आपकी लिफ्ट किट ऑर्डर कर सकते हैं और लगवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो लीफ स्प्रिंग है ना, जो कंपनी दे रही है ना लीफ स्प्रिंग, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी, कहीं ज़्यादा हैवी लीफ स्प्रिंग यहाँ पे हमको आयरन मैन प्रोवाइड करता है। और जब भी आप ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे ना तो ये प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ में 2 इंच इस गाड़ी की जो हाइट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो एडवेंचर करते टाइम पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी गाड़ियों के साथ में। बिकॉज इंजन तो इनका पावरफुल रहता है बट लिफ्ट हो जाती है ना, सो कहीं से भी इजीली ये निकल जाती हैं और ऑफ रोडिंग का मज़ा दुगना तिगना हो जाता है। और सस्पेंशन के वर्क के बाद में जो कैरी बॉय कैनोपी है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुका है। अभी इसको जस्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर जो पेंट वर्क है वो होना है, पेंट वर्क इसके ऊपर होगा। अभी जो बेस कलर है उसी में सिर्फ ये पेंट होके आई है, इसके अलावा जो भी इसके क्रोम पार्ट्स हैं वो लगेंगे। और ये आपकी सेमी हाइड्रोलिक है, मतलब कि ये वाला जो सेक्शन है ना ये तो हाइड्रोलिक बेस्ड है। और यहाँ पे जो मोटर वाला मैकेनिज्म है वो भी लगा हुआ है। तो इसका पूरा सेटअप जब ये पूरी कम्प्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करती है। सो फाइनली गाड़ी है आपके सामने टोयोटा हाइलक्स, जिसके अंदर पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। और ये हुआ है द एडवेंचर गैरेज से, इब्राहिम भैया हमारे साथ में। भैया वन बाय वन आप बता दीजिए क्या कुछ आपने किया है गाड़ी के अंदर। अमन भाई वैसे तो काफ़ी सिंपल लग रही है गाड़ी, काफ़ी डिसेंसी में इसको मॉडिफाई करा है, पर ऑफ रोड कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है इसकी अभी। और साथ ही साथ ऑफ रोड कैपेबिलिटी के साथ इसका कम्फर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल हो चुका है, क्योंकि सबको ये पता है हाइलक्स में काफ़ी जग्स आते हैं पीछे। हाँ, जो स्टॉक सस्पेंशन है उसकी जो लीफ स्प्रिंग है काफ़ी जर्क मारती है, तो उसकी वजह से हमने सस्पेंशन में काफ़ी मेजर चेंजेस करे हैं इस गाड़ी में। बाकी सब तो नॉर्मल मॉडिफिकेशंस हैं जो ज़्यादातर होती रहते हैं, होती आए हाइलक्स में, पर हाँ सस्पेंशन के तौर पे काफ़ी चेंजेस हैं इसमें, तो वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगा। और उसके साथ साथ इसमें फ्रंट ग्रिल से बिल्कुल नॉर्मल रखी गई है गाड़ी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये क्रोम में रहता है, ये वाली पार्ट ग्रिल का ब्लैक ही रहता है, तो इसको डीक्रोम करा, इसको डीक्रोम करा। साथ ही साथ एक और बड़ा मसला है हाइलक्स क्या टोयोटा की ज़्यादातर गाड़ियों में एक परेशानी आ रही है आजकल, कि जो लाइट्स हैं
लाइट्स का आउटपुट काफ़ी कम मिलता है। तो लाइट्स का आउटपुट बढ़ाने के लिए इसमें ऑटो स्टाइलिंग के 2 इंची के प्रोजेक्टर्स लगाएं जो कि कपलर टू कपलर फिट है, और इसमें येलो वाइट और वॉम वाइट तीनों कलर हैं, और साथ ही साथ अपर डिपर का ऑप्शन भी है इसमें। तो हेडलाइट जब हाई बीम करेंगे तो फॉग लैम्प हाई बीम चला जाएगा, हेडलाइट जब लो बीम करेंगे तो फॉग लैम्प लो बीम चला जाएगा। तो इससे इसका आउटपुट जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है लाइट्स का। अब अपन साइड प्रोफाइल में आए, क्योंकि अपन ने आयरन मैन का लिफ्ट किट लगाया है इसमें, हाँ, तो गाड़ी की नेचुरली हाइट जो है 2.5 इंचेस बढ़ चुकी है। अब स्टॉक टायर जो थे काफ़ी छोटा प्रोफाइल दे रहे थे उसको, तो स्टॉक टायर 265/60R18 साइज में आते हैं, अपन ने उसको चेंज करके 285/60R18 मैक्सिस का 8980 टायर इंस्टॉल करा है, ये आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको जो स्प्रिंग पर नजर आ रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कलर में, आयरन मैन का प्रॉपर बोल्ट ऑन फिटमेंट है सस्पेंशन। हाँ, बस ये है कि किसी ट्रस्टवर्दी या कायदे के इंस्टॉलर से ही लगवाएं, हर किसी से ना लगवाएं, तभी सही उसका आउटकम मिलेगा, वरना आपका सस्पेंशन भी डैमेज हो सकता है गाड़ी का। अच्छा, ये गाड़ियों के अंदर ECM ECU रहता है पूरा जी, और ABS भी रहता है, सो उस जगह पे कुछ फर्क पड़ता है या फिर वो प्रॉपर वर्क करता है? इसमें जो पीछे की लीक स्प्रिंग है, लीक स्प्रिंग में 2 वायर गए हुए हैं ABS के, तो वो जब भी अपन निकालते हैं और लगाते हैं तो ABS की चेकलाइट देता आएगा, ज्यादातर गाड़ियों में देता ही है। इसमें भी शायद ये हुआ था कि जब इसका चेंज करा था हमने लीफ स्प्रिंग, तो उसका जो ABS का कपलर था वो निकाल के फिर से लगाया था, तो ABS की चेक लाइट आई थी, तो वो नॉर्मली स्कैनिंग करी तो वो चली गई, नॉर्मल सारी चीजें प्रॉपर्ली डिलीट करना होता है वो तो जी। बस ये है कि वायर निकालने लगाने में तोड़े नहीं, वो चीज का ध्यान रखना है। हाँ, वो चीज का ध्यान रखना है। क्या होता है आप कोई सी भी चीज, इसका क्या है, व्हीकल का ब्रेन, व्हीकल का जो ECU कहलाया जाता है, ब्रेन होता है एक तरह से, वो सेंस कर लेता है कि कुछ चेंजेस हुए हैं गाड़ी में, तो अपने आप वो कभी कभी कुछ गाड़ियों में आता है, कुछ कुछ गाड़ियों में नहीं भी आता है, तो उससे घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। पर हाँ, ये है कि कुछ फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए कोई सी चीज़, अगर डैमेज हो गई लगाने में तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो सीधे कंपनी जाएगी, वो पूरा चेंज ही होगा, रिप्लेस ही होगा वो पार्ट, क्योंकि ABS तो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है ना। ABS काफ़ी सेंसिटिव है, और ब्रेकिंग के साथ आप खेल रहे हो एक तरह से, तो ब्रेकिंग के साथ ना खेलने ज़्यादा बेटर है। सही बात। अच्छा, एक और चीज़ मैं फ्रंट में भूल गया आपको बताना कि जो इसके फ्रंट रिकवरी हुक्स हैं, हाँ, जो ओरिजिनल कंपनी से दिए हैं, वो बम्पर में काफ़ी ऊपर दिए हुए हैं, जिसकी वजह से कभी रिकवरी अगर होती है तो काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसी को ही हमने अब फ्रंट रिकवरी हुक में कंपनी वाले दिखाऊं तो ये है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अंदर है, ये निकालने में बम्पर को खींच देगा कभी भी, तो हमने ये चेसी से ही माउंट करके रिकवरी हुक्स दोनों तरफ लगाए गाड़ी में। ये आप चेक करिए, दोनों साइड में रिकवरी हुक्स अपग्रेड कर दिए हैं, तो ये भी इससे रिकवरी काफी इजी हो गई है। अब क्या अंदर तक नहीं घुसना किसी को भी, कब जाए, अगर अभी तो गाड़ी खुली हुई है, पर जब गाड़ी फंसती है, रिकवरी का टाइम आता है, रिकवरी के लिए आपके लिए अगर यहाँ से गाड़ी पूरी बैठ गई है कीचड़ में या साइड में, तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? राइट, सही बात है ये, तो यहाँ पहुंचना आसान है। बट ये क्या है, और ये चीज अंदर भी है ना, तो ये बम्पर वाला ये जो सेक्शन है ये तो जाएगा ही। इसी के साथ साथ आप पीछे की तरफ आए, सबसे बड़ा जो पीछे काम हुआ है वो है कैरीबॉय का CB796 इंस्टॉलेशन करा है हमने कैनोपी का, और साथ ही साथ यही आप इधर लिफ्ट किट की तरफ जाएंगे तो आपको आयरन मैन का शॉकअप दिखाई देगा, और आयरन मैन की ही लीफ स्प्रिंग इंस्टॉल करी है इसमें। इसके अलावा पीछे गाड़ी में 4x4 व्हीकल है, पीछे रिकवरी हुक कोई ना कोई होना चाहिए, इसमें पीछे कहीं पर भी रिकवरी हुक नहीं दिया हुआ है, तो ये हमने एक रिकवरी को इंस्टॉल करा है, कभी पीछे से भी अगर रिकवरी करना हो तो इजीली पॉसिबल है। ये चीज़ हुई है, टोयोटा को पीछे भी देना चाहिए था गाड़ी, ये कहीं से भी रिकवरी की जरूरत पड़ सकती है। टोयोटा बड़ी कंपनी है, अपन कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। सही बात है। बाकी अब मैं आपको CB796 कैरीबॉय का वर्किंग दिखा देता हूं। ओके। ये इसमें लॉक आता है, ये मैं आपको भी चेक करा देता हूं। ये लॉक रहता है, ये चाबियां आई हैं उसके साथ 2 कैरीबॉय की, ये चाबी लगाई और ये घुमाई, अब ये लॉक हो गया। ओके। अब ये नहीं खुलेगा। गाड़ी आपका केबिन पूरा सेफ है, मैंने ये हटाया, फिर चाबी घुमाई, वापस लगाया, ये अनलॉक हो गया। ओके। ये अब खुल गया। तो इस टाइप से ये मैनुअली ऑपरेट करना होती है ये वाला? हाँ, ये वाला मैनुअल है, हाइड्रोलिक्स दिया हुआ है, मैनुअल ऑपरेशन है। एक और चीज, जैसे अगर अपन ने अभी ये लगा रखा है तो ये तो आपका जब बंद हो रहा है तो डाले को लॉक कर रहा है, हाँ, तो ये अगर आप डाला भी खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। अब जैसे कुछ कुछ गाड़ियों में अपन ने शटर लगाया है, तो शटर में अपन ने टेलगेट लॉक भी लगाया है, हालांकि इस गाड़ी में भी एडिशनली कस्टमर को टेलगेट लॉक चाहिए था तो टेलगेट लॉक लगाया है, क्योंकि उनका कहना यह था कि कभी बाई चांस अगर हम इसको लॉक करना भूल गए
तो एटलीस्ट सेफ्टी होना चाहिए। हाँ। तो डुअल सेफ्टी हो, तो इसमें टेलगेट लॉक भी लगाया हुआ है, वो उसका ही फंक्शन दिखाता हूँ। ये लॉक करा मैंने गाड़ी को, अब ये टेलगेट नहीं खुलेगा, ये टेलगेट लॉक हो गया यहाँ से। ओके, अब वही मैंने ये अनलॉक करा, ये टेलगेट खुल गया। राइट, ये इसकी तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कंपनी ये चीज़ नहीं देती है, कंपनी ये चीज़ नहीं देती है कि ये आफ्टर मार्केट लगा है। ये इसकी स्टॉक जो लीफ स्प्रिंग थे ये रखे हुए हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी अब बिल्कुल डिलीवरी होनी थी तो हमने उसका जितना ओरिजिनल सामान था वो गाड़ी में रख दिया है ताकि कस्टमर अपने साथ ले जाए। तो ये लीफ स्प्रिंग ये रखी हुई है और इसके जो शॉकअप्स निकले हुए हैं, शॉकअप और कॉइल स्प्रिंग वो आगे रखे हुए हैं। आप कैरी बॉय CB79 से कैनोपी सिर्फ इतनी ही नहीं खुलती, इससे ज़्यादा और मैकेनिज्म है इसका। इसमें बटन दिए हुए हैं जो कि इसको एक राइट साइड दबाया मैंने तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ी हो जाएगी। अब अभी ये पूरी लिफ्ट हो चुकी है और गाड़ी की हाइट पे पहुंच गई है। ये आप चेक करोगे ना तो गाड़ी की हाइट पे पहुंच चुकी है, मतलब लगेज वगैरह रखने में इजी हो जाता है। हाँ, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि इसको खोल के नहीं चलाना चाहिए। आप लगेज तो ठीक है रख सकते हो पर खोल के चलाने लायक है नहीं है। अच्छा, पूरा बंद खोल के चलाना रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि हाइड्रोलिक्स इसके खराब हो सकते हैं, दचको वचको में कहीं पे भी खराब होने की संभावना है। अब राइट साइड वाले बटन से ये ऊपर उठी, लेफ्ट साइड वाले बटन दबाऊंगा मैं तो ये नीचे चली जाएगी। As you can see, ये भी पूरा डाउनवर्ड्स जा रही है, प्लस इसमें एक लाइट भी दी हुई है जो कि यहाँ पे दी हुई है, तो रात के वक्त पे वो भी आपका फंक्शनल रहेगी। हाँ, अब आपको जब लाइट ऑन करना हो ये बटन दबाया, लाइट चल गई, तो यहाँ पे पूरा रोशनी हो जाएगी नाइट वगैरह के टाइम पे। फिर इसकी लॉकिंग बहुत सिंपल है, जैसे अपन ने खोला था वैसे ही पकड़ के उसको बहुत हल्के हाथ से ले लिया, ये लगा दिया, अब ये लॉक हो चुका है। कोई ज़ोर ज़बरदस्त चीज़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत ईजी मैकेनिज्म है, ये लॉक हो गया। तो ये कुछ इस टाइप से पूरा टोयोटा के अंदर कैरी बॉय कैनोपी का सेटअप है, और जो रियर डोर लॉक है वो भी यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है और पेंट भी पूरा मैच कर दिया है, जो ओरिजिनल पेंट आता भी है वही है इसमें, वही है। अच्छा, इसमें साथ ही साथ ब्रेक लाइट भी दी है। ओके, जब ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक लाइट भी जलती है। इसके अलावा भैया कुछ और मॉडिफिकेशन जो इसके अंदर हुआ है गाड़ी में? हाँ, एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन है, आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए, वैसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं पर क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी पुलिस में ही है तो इस वजह से अपन ने उनको फ्लैशर्स लगा के दिए, यहाँ पुलिस के फ्लैशर्स, यहाँ पुलिस लाइट लगी हुई है क्योंकि अभी ऑन नहीं होंगे, जब इग्निशन ऑन करूँगा मैं, जब ही ऑन होंगे। ये उसका वायरलेस रिमोट दिया, ये रिमोट है इसका, इससे ऑपरेट हो जाएगी, इससे ऑपरेट हो जाएगी। इसमें कलर चेंजिंग भी है, इसमें ब्लू और रेड भी है और वाइट भी है, वाइट फ्लैशर, वाइट फ्लैशिंग भी है, ब्लू और रेड भी है, तो जब दो दिल चाहे वो फ्लैशिंग कर सकते हैं। ग्रिल के अंदर ही लगाइए, कहीं से कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से लगाई हुई हो, बाहर से लगी हुई हो। तो इसी के साथ में गाइस, ये थी टोयोटा हाइलक्स जिसके अंदर पूरा काम हुआ है। ऐसा कोई भी अगर आपको काम कराना है सो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं द एडवेंचर गैरेज पे। इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, और द एडवेंचर गैरेज इंस्टाग्राम का पेज है भैया का, वहाँ पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ गाइस, हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, थैंक यू अमन भाई। ओके, बाय बाय बाय।